आजकल बिगड़ती दिनचर्या और खान पान में आए बदलाव के कारण आम तौर पर लोगों को किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक बीमारी है थायराइड, जिसने आज के समय में एक बड़ी आबादी को अपने आगोश में जकड़ कर रखा है। थायराइड हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक होती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी होती है। वहीं देखा जाए तो ये एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है, लेकिन अगर कुछ खान पान में बदलाव करके ही सही उपचार किया जाए तो आप इस गंभीर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एग्निटो के इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जो आपको थायराइड में काफ़ी काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्निटो हेल्थ में। शरीर में बन रही अनियमितताओं के चलते आज के समय में बड़ी आबादी बहुत तेजी से थायराइड का शिकार हो रही है। पहले आमतौर पर इसका शिकार महिलाएं होती थीं, लेकिन अब पुरुष भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। इस बीमारी की जानकारी लगते ही तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी के चलते हम आपको कुछ ऐसे आहार बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करने से आप इस गंभीर बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड की। हाइपरथायरायडिज्म और हाइपोथायरायडिज्म। हाइपरथायरायडिज्म में वजन घटना, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद ना आना, प्यास लगना, अत्यधिक पसीना आना, हाथ कांपना और नींद ना आने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहीं हाइपोथायरायडिज्म में सुस्ती, थकान, कब्ज, धीमी हृदय गति, ठंड, सूखी त्वचा, बालों का रूखापन, अनियमित मासिक चक्र और इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं बात करें तो शरीर में आयोडीन, सेलेनियम और जिंक की मात्रा घटने से थायराइड की समस्या पैदा होती है। ये तीनों ही तत्व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, लेकिन आजकल के खान पान में पाए जाने वाली अनियमितताओं के चलते शरीर में इन ज़रूरी तत्वों की कमी बढ़ने लगी है। इस कारण से यह समस्या लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में हम थायराइड के मरीज को उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनमें ये ज़रूरी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं उन खास आहारों के बारे में। सबसे पहले बात आती है मशरूम की। थायराइड के मरीजों के लिए मशरूम अच्छे आहारों में से एक है। इसमें सेलेनियम की मात्रा अधिक होती है जो थायराइड को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसका सेवन ज़रूर करें। अगला आहार है अंडा। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है जो कि थायराइड के रोगियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर बात करते हैं दही की। थायराइड के रोगियों के लिए दही सबसे बेहतर आहार माना जाता है। दही खाने से शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, जिससे थायराइड कंट्रोल रहता है और काफ़ी हद तक सही भी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स की। नट्स में आप अधिक मात्रा में अखरोट और बादाम का सेवन करें, जो कि आपको आवश्यक पोषक तत्व तो देता ही है, इसके साथ ही थायराइड ग्रंथि को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। वहीं आखिरी घरेलू नुस्खा है अलसी। थायराइड के लिए अलसी का बीज काल के समान है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए इस बीमारी के मरीज अलसी या उसके तेल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। नमस्कार।